सरगुजा में जंगली हाथियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि आए दिन ग्रामीणों की मौत हो रही है। जिम्मेदार अपने तरीके से ग्रामीणों को सतर्क भी कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों की क्या मजबूरी है इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक की तस्वीरें नई नहीं हैं। सूबे के लोग आए दिन इनसे जूझते और परेशान होते नजर आते हैं, तो हर कुछ दिनों में ग्रामीण हाथियों के शिकार भी बनते हैं। इस साल जंगली हाथियों ने महुआ बीनने गई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। के माध्यम से जागरूक कराया जाता है कि जंगल में महुआ बीनने के लिए शाम को अंधेरा में न जाए, और जो है चारों तरफ से खबर ये होता है कि जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथी प्रभावित क्षेत्र में कहीं सूचना मिल रहा है कि हाथी उस दिशा में है, उधर बिल्कुल महुआ बीनने ना जाए। हाथी का विचरण क्षेत्र समाप्त हो जाता है अगर उसके बाद जाए तो कोई जनहानि नहीं होगी। जो है इसलिए उनको जो है बार बार समझाइश दी जाती है कि जंगल में आग ना लगाएं महुआ बीनते समय, जो है उससे भी जो है हाथी जो है उनको जो है थोड़ा सा जो है उनके आवागमन में जो बाधा होता है। फॉरेस्ट पुलिस अपनी तरफ से ग्रामीणों को सतर्क कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण हादसे का शिकार हो रहे हैं। बीते 3 साल की बात करें तो 3 साल में हाथियों का आतंक 105 लोगों को कुचल कर मारा, क्षेत्र में 3000 मकानों को तोड़ा, 7000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद, वन विभाग ने दिया 20 करोड़ रुपए मुआवजा। तमाम मुसीबतों से जूझते हुए भी ग्रामीण महुआ बीनने को मजबूर हैं, क्योंकि महुआ के जरिए ही उनका गुजर बसर होता है। और के समय में हाथी होती के डर लगता है, लेकिन क्या करेंगे, गरीबी हालत में है, इसलिए महुआ से वह चुनते हैं। 10-12 किलो सब परिवार मिलकर चुन देते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ हो जाता है। ग्रामीणों के लिए महुआ बीनना जरूरी क्यों है और इसके लिए ग्रामीण अपनी जिंदगी क्यों जोखिम में डालते हैं, ये भी जान लीजिए। क्यों जान जोखिम में डालते हैं ग्रामीण? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महुआ सरगुजा क्षेत्र में। एक पेड़ से औसतन 3 क्विंटल होता है उत्पादन। महिला समूहों से सरकार खरीदती है महुआ। 3000 रुपए क्विंटल में खरीदा जाता है महुआ। महुआ की आय से ग्रामीण पूरी करते हैं अपनी जरूरतें। ग्रामीणों की मजबूरी के बीच सवाल ये भी उठता है कि जंगली हाथी आक्रामक क्यों हो रहे हैं और ग्रामीण इससे कैसे बच सकते हैं, ये जानने के लिए हमने विशेषज्ञ से बात की। जंगली हाथियों से बचने के लिए हाथियों के समय को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हाथियों के विचरण की सूचनाओं पर ध्यान बनाए रखें और हाथियों के विचरण के काल को बिल्कुल सुबह और शाम को जंगल में बिल्कुल न जाए। महुआ बीनने के लिए भी दिन का समय और अधिक संख्या में एक साथ जाएं, तभी हाथियों से बचा जा सकता है। जंगली हाथियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीणों का सतर्क होना जरूरी है, लेकिन ये शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम और आय के दूसरे विकल्प तैयार किए जाएं। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।